मेरा हमेशा ये मानना है कि विस्की का बहुत ज़्यादा स्मूथ होना कोई बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं हो सकती है। सिर्फ हार्शनेस को कम कर देना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बहुत ज़्यादा स्मूथ होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसको ऐसे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, स्मूथ तो रॉयल स्टेक भी हो जाती है जब आप 160 ml के पेग में पूरा ऊपर तक पानी भर देते हैं, तो हो गया वो भी स्मूथ। सिर्फ नशे के लिए अगर आपको पीना है तो बहुत सस्ती विस्की अवेलेबल है, फिर क्यों स्कॉच में और सिंगल मॉल्ट में अपना दिमाग खपाएं। हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। जॉनी वॉकर रेड लेबल, जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड। जॉनी वॉकर रेड लेबल क्या है? ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला जॉनी वॉकर है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड, एंड ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जॉनी वॉकर। और कहा तो ये भी जाता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, वो फैन हुआ करते थे जॉनी वॉकर रेड लेबल के। जॉनी वॉकर रेड लेबल जाना जाता है अपने पंची कैरेक्टर के लिए, और वो विस्की ही क्या जिसमें अपना एक स्ट्रांग कैरेक्टर ना हो। तो वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर और ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग वाला ये ब्रांड है जॉनी वॉकर रेड लेबल। उसके बगल में मेरे दाहिनी तरफ ये है जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड, और ये क्या है, दिस इज़ रिसेंटली लॉन्च जॉनी वॉकर, सबसे नया नवेला अवतार है जॉनी वॉकर में, जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड। आप लोगों को पता है इंडिया में विस्की की प्राइसिंग का कोई माई बाप नहीं है, कहीं पे कोई विस्की अगर 1,000 रुपये में मिलती है तो किसी स्टेट में वो 2,500 पौने 3,000 तक की बिकती है। तो मैं क्या है एक स्टैंडर्ड MRP पकड़ता हूँ जो कि आजकल गुड़गांव की चल रही है, आई थिंक वो बेस्ट प्राइस है इंडिया में, और वहाँ पे जो एवरेज प्राइस है जॉनी वॉकर रेड लेबल का वो है 1,000 रुपया। कभी कभी तो मैंने 900 और 850 तक भी बिकते देखा है वो किसी ऑफर के तहत, बट एवरेज प्राइस जो है वो है 1,000 रुपया। और ये ब्लॉन्ड को लॉन्च किया गया है 1,500 में। इसके बाद जो जॉनी वॉकर का जो ब्रांड है वो है जॉनी वॉकर ब्लैक, ब्लैक लेबल। तो ब्लैक लेबल भी अगर गुड़गांव की प्राइस में बताऊँ तो 2,000 रुपये में है। तो ब्लैक लेबल और रेड लेबल के बीच में ये जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड को लॉन्च किया है कंपनी ने। जब 1,000 रुपये की विस्की जॉनी वॉकर रेड लेबल और फिर 2,000 में जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, और दोनों ही इतना कल्ट टाइप का फैन फॉलोइंग है दोनों का, जब ये दोनों विस्की अवेलेबल है तो बीच में फिर ब्लॉन्ड की ज़रूरत क्यों आ पड़ी, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों में कौन से विस्की वैल्यू फॉर मनी है ये भी देखेंगे, और इस ब्लॉन्ड के पीछे कंपनी का क्या मार्केटिंग गिमिक है, कौन सा सेलिंग प्रोपोजिशन वो लोग देख रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक दो फैक्ट समझ लेते हैं। जॉनी वॉकर रेड लेवल में अल्कोहल कंटेंट जो होता है वो होता है 43%। आपको पता है ये दोनों की दोनों बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड है, इंडिया में बॉटलिंग नहीं होती है। तो 43% अल्कोहल इधर है और इसमें सिर्फ 40% अल्कोहल है ब्लॉन्ड में, तो 3% एक अल्कोहल का फ़र्क हो गया। ये पहला डिफरेंस। एक और डिफरेंस है, जॉनी वॉकर रेड लेबल जो है इंडिया में ये 750 ml की फुल बॉटल है, और ब्लॉन्ड जो फुल बॉटल है ये सिर्फ 700 ml की है। तो 50 ml क्वांटिटी में कम है और 3% अल्कोहल कम है इसमें, ये फैक्ट है। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक और बात मैं बता दूँ, जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड का फुल रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है, चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा किस तरह की विस्की है, डिटेल में बताया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया जॉनी वॉकर रेड लेबल जो है ये जानी जाती है अपने एक पंची और स्ट्रांग कैरेक्टर के लिए, और वो पंच और वो कैरेक्टर जो है वो मिसिंग है ब्लॉन्ड में। ठीक है, ब्लॉन्ड की USP क्या है, ये बहुत स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू रेड लेबल। मेरा हमेशा ये मानना है कि विस्की का बहुत ज़्यादा स्मूथ होना कोई बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं हो सकती है। कोई विस्की बहुत एक्सपेंसिव सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि आप बहुत से सिंगल मॉल्ट, बहुत एक्सपेंसिव सिंगल मॉल्ट भी जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो ये ज़रूरी नहीं है, उसका अपना एक कैरेक्टर होना चाहिए। वो क्या टेस्ट ऑफर कर रहा है, क्या अरोमा ऑफर कर रहा है, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस लेकर के आता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ हार्शनेस को कम कर देना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसको ऐसे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, स्मूथ तो रॉयल स्टेक भी हो जाती है जब आप एक 60 ml के पेग में पूरा ऊपर तक पानी भर देते हैं, तो हो गया वो भी स्मूथ, बट वो स्मूथनेस आपको नहीं चाहिए। आपको विस्की का बढ़िया टेस्ट चाहिए, बढ़िया अरोमा चाहिए, एक पंच के साथ चाहिए, क्योंकि पानी मिलाने के बाद तो वो स्मूथ हो जाता है बट उसमें वो कैरेक्टर सारा ख़त्म हो जाता है। सिर्फ नशे के लिए अगर आपको पीना है तो बहुत सस्ती विस्की अवेलेबल है, फिर क्यों स्कॉच में और सिंगल मॉल्ट में अपना दिमाग खपाएं। तो विस्की हम लोग पीते हैं विस्की के टेस्ट को इंजॉय करने के लिए, उसके अरोमा को इंजॉय करने के लिए, उसके ओवरऑल फील को एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, मेरा क्लियर कट मानना है कि जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड जो है वो काफ़ी स्मूथ है, स्पेशली एज कम्पेयर टू रेड लेबल, बट इसमें विस्की वाला जो एक और स्पेशली जो जॉनी वॉकर वाला जो एक कैरेक्टर होता है वो मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसमें भी काफ़ी अच्छा फ्रूटी नोट है, बहुत हल्का सा एक स्मोक का हिंट मिलता है, उसके अलावा थोड़ा सा फ्लोरल स्मेल भी है, बहुत अच्छा सा सटल सा टेस्ट और अरोमा दोनों ही ऑफर करता है, लेकिन वो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो आई थिंक जो रेड लेबल में जो एक ओवरऑल जो कैरेक्टर एक उभर के आता है विस्की का विथ अ सॉलिड पंच, वो आई थिंक वो ब्लॉन्ड में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने 43% से कम करके इसमें 40% अल्कोहल किया, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। विस्की को स्मूथ करना इज़ नॉट वेरी बिग डील। आप देखें नेपाल में बहुत सारी विस्की आते हैं जिसमें सिर्फ 33, 34, 35% जैसा अल्कोहल होता है, वो काफ़ी स्मूथ होता है बट कोई कैरेक्टर नहीं होता है। रॉयल स्टेक का मैंने एग्जांपल दिया, या इंडियन कोई भी विस्की जो आप पानी ऊपर तक भर के पीते हैं, स्मूथ तो हो ही जाती है बट कैरेक्टर नहीं रहता है विस्की का, उसको पी के आप वो मज़ा नहीं ले सकते हैं जो एक विस्की से आपको चाहिए। विस्की को स्मूथ कैसे किया जाता है, जैसे आपने ग्रेन अल्कोहल ही लिया ब्लेंड करने के लिए, तो ग्रेन अल्कोहल का जो नेचर होता है उसमें हार्शनेस होता है, ठीक है, तो आप उसको डबल डिस्टिल कर देंगे, हार्शनेस काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे वोडका का आप एग्जांपल लीजिए, वोडका में क्या होता है 3 बार 4 बार 5 बार कई कई तो 10 times डिस्टिल्ड होता है, उसके बाद उसमें कोई टेस्ट ही नहीं रह जाता है, और स्मूथनेस काफ़ी स्मूथ हो जाती है फिर जब टेस्ट ही नहीं है तो स्मूथनेस का क्या करना। तो इसीलिए वोडका जो है वो कोई टेस्ट के लिए नहीं पीते हैं, वोडका को पीते हैं मिक्स करके किसी चीज़ के साथ या फिर कॉकटेल बना करके, लेकिन विस्की तो टेस्ट लेके पीने की चीज़ है। लास्ट में ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो MRP है 1500 रुपये के मुकाबले, ये क्या वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर इसको भी 1000 रुपये में ही लॉन्च किया जाता और वो भी 750 ml की बॉटल, तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी होता, और मैं वैसे लोगों को रिकमेंड करता जिनको कि रेड लेवल का हार्शनेस से थोड़ी तकलीफ है। तो ये डेफिनेटली लेस हार्श है, थोड़ा स्मूथ है, भले कैरेक्टर में भी थोड़ा कमज़ोर हो, बट 1000 रुपये में डेफिनेटली आप ब्लॉन्ड लेकर के मज़ा कर सकते थे। लेकिन अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा स्मूथनेस और थोड़ा सा लेस हार्शनेस के चलते अगर ये 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना है, तो मैं कहूँगा कि आप रेड लेवल में जितनी पानी मिलाते हैं उससे 5-10 ml ज़्यादा पानी मिला लीजिए, बात बराबर हो जाएगी। और टेस्ट में वैसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है कि आप 500 रुपये ज़्यादा इसके लिए खर्च करें। तो ये था छोटा सा क्रिस्प सा एक कॉम्पेरिजन वीडियो जॉनी वॉकर रेड लेबल और जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड के बीच में। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेंगे फिर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।